Indrastali Vidyapeeth, Gate Provisional Admission in Class 11, Science, Commerce and पंच मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में चल रहे भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा प्रस्तुत की गई। कथा के प्रसंग में उनके चलने माता को वशमत कर देने वाली, पूरी नगरी को रिझा देने वाली, गोपियों को अपने वश में कर लेने, माखन चोरी, मित्रों के साथ खेल का विस्तार से वर्णन किए। कथावाचक विजय पांडे ने अपनी मनोरंजक शैली में कथा प्रस्तुत की, साथ ही बीच बीच में भजन और प्रसंगों पर आधारित गीत गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिए। मौके पर चितरंजन से आई एक बालिका ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबको झूमने नाचने पर मजबूर कर दिया। कथावाचक ने कहा कि प्रभु ने जब अवतार लिया उसी स्थिति में उनको अपनी वशमत कर देने वाली बाल लीला करनी पड़ी ताकि लोग पहचान सके कि अब उनको आतंक से मुक्ति मिलने वाली है। बीच के प्रसंग में कथावाचक ने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि चाहे अवतार कोई भी हो, भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य एक ही होता है और वह होता है धर्म की स्थापना करना और असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना। अब भगवान की असली लीला शुरू होगी और वह धीरे धीरे कई असुरों का नाश करेंगे और सबकी प्रक्रिया अलग अलग होगी। बहुत सी ऐसी घटनाएं ऐसी आएंगी जिसके दर्शक तो नहीं मिलेंगे लेकिन उनका परिणाम सुनने को अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप उन्हें पुकारते हैं तो आपका काम होगा। यह जरूरी नहीं कि वह प्रत्यक्ष होकर ही आपके सारे काम करे और प्रत्यक्ष रूप से भी आपके काम को बना देंगे। बस हम सभी को सच्ची भक्ति करनी है। विश्व मंगलम, जो समस्त विश्व का कल्याण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नमो विश्व सृजे, संपूर्ण सृष्टि का सृजन जो करता है उसको संपूर्ण सृष्टि का ख्याल रहे। आप सोए कि नहीं सोए, आप खाए कि नहीं खाए, सबके ऊपर भगवान की किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव। हमको कहां ले जा रहा है, किस लिए ले जा रहा है, भगवान उसकी चर्चा नहीं करते। भगवान को बोले चलिए चलिए, आपको बोले मैं चलिए, तुरंत पूछेंगे कहाँ चलिए, नहीं कहाँ चल गए, बोलिए तुरंत। Oh,
हम सभा के बीच में भैया ने आशीर्वाद दिया और क्या कहा बन जा रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया, ऐसी करता हो जानी सभी सेनापति लोग रुक्मी दौड़ा उसके पीछे पीछे जितने भी बलराम जी और भगवान से मिल करके युद्ध के जितने भी रास्ते में जो लोग थे भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ, भगवान ने रुक्मी के साथ युद्ध किया, भगवान रुक्मी को मारना चाह रहे थे लेकिन रुक्मिणी ने उनको रोका भी नहीं। यदि आप मेरे भाई का इस तरह से बंद कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग शुभ कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य में अशुभ करना उचित नहीं है, इसको कुछ दंड दे दीजिए। फिर भगवान ने रुक्मी के बाल को अपने भगवान रुक्मिणी को लेकर के और द्वारिका पहुंचे। फिर उत्तम तिथि आई, उत्तम तिथि आने के बाद सभी लोग बोले कि रुक्मिणी से विवाह कर लिया जाए। उन्होंने बोला कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान बोले अपने माता पिता जी नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। देखिए ये रुक्मिणी का हरण है, रुक्मिणी का हरण है, लेकिन कन्हैया बोले जब तक मेरे माता पिता नहीं आएंगे मैं विवाह नहीं करूंगा। तो फिर नंद बाबा को की जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं नंगला और रुक्मिणी दुल्हन बने हैं।
कन्हैया से भी ज्यादा सुंदर
موسيقى